वो तो हम नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन का लेवल ठीक था। तो सुनने में आ रहा कि फर्स्ट पाली में क्वेश्चन लीक हुआ था, इसके बारे में मुझे नहीं पता है कुछ। क्या नाम हुआ? सुलेखा कुमारी। अच्छा था एग्जाम, ठीक था। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को और आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, तो ये तो पढ़ने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफी है। इतने जमाने बाद एग्जाम हो रहा है, कितने साल के बाद एग्जाम हो रहा है? इसका फॉर्म तो इसी साल भराया था। 8 साल के बाद एग्जाम हो रहा है? नहीं, ये ग्रेजुएट लेवल का तो इसी साल फॉर्म आया था। और 2014 में भराया, ये एग्जाम हो रहा है। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम तो इसी साल फॉर्म आया और इसी साल एग्जाम हो रहा है। कोमल, क्या तैयारी चल रही थी? बस तैयारी से नॉर्मल पढ़ाई करते हुए पढ़ाई कर रही थी। कैसा क्वेश्चन था? इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छे थे। कितने दिनों के बाद सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ? 2015 के बाद आई थिंक, ये 8 साल के बाद। 8 साल के बाद पेपर लीक होने का अफवाह चल रहा है? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहीं आके सुनी हूँ, मतलब दूसरे स्टूडेंट से, तो मुझे कुछ पता नहीं है। सेंटर पर? हाँ। तो मुझे क्या नाम हुआ? प्रिया। कहाँ से चल के आया है? पटना। एग्जाम मेरा अच्छा गया। साइंस पोर्शन थोड़ा टफ था, करंट अफेयर्स ठीक थे, मैथ बहुत अच्छे थे, करंट अफेयर जो भी पूछे गए थे 2022 के करंट अफेयर पूछे गए थे, और जीके जीएस भी ठीक थे। बाकी दूसरा क्या कहूँ, क्वेश्चन लीक होने की, क्वेश्चन अगर लीक होने का फायदा तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में मेरा था नहीं, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देकर निकल रहे हैं, तो उसके बारे में विशेष जानकारी मुझे नहीं है। कितने दिनों के बाद एग्जाम? 8 सालों के बाद है, 2014 के बाद। तैयारी आप लोग की अच्छी? जी, तैयारी ठीक थी, भगवान की मर्जी है, देखिए क्या हो रहा है। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं पूर्वी चंपारण जिले के